बजट के वे पल जो चर्चा में रहे। ओम बिरला ने वित्त मंत्री निर्मला से मुस्कुराते हुए कहा, आप डिजिटल बजट पढ़ रही हैं? फिर तालियां बजने लगी। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं। सर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2022-23। वित्त मंत्री सीतारमण बोली कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राशि उनके खातों में 2 से 3 महीने के भीतर स्थानांतरित कर दी गई। हरीश रावत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बजट में किए जाएंगे झूठे वादे। दिल्ली हिंसा। दिल्ली एचसी ने 2 आरोपियों को जमानत दी और एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम की हत्या के मामले में एक को जमानत देने से इनकार कर दिया। अकबरी भजनपुरा इलाके की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार वो अपने घर के अंदर थी जब भीड़ ने कथित तौर पर उसमें आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह लोकतंत्र है, विपक्षी को चुनाव से नहीं रोक सकते। मजीठिया केस में एससी की चन्नी सरकार को फटकार। भारत वीएस वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में दर्शकों से रौनक होगा कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। बंगाल सरकार ने दिया ग्रीन सिग्नल। अब एक और नौकरशाह की राजनीति में एंट्री। ईडी के निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकृत। यहां से हो सकते हैं भाजपा प्रत्याशी। ओडिशा सरकार ने सोमवार को रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी और स्कूलों में सरस्वती पूजा की अनुमति दी, क्योंकि राज्य में कोविड-19 मामलों में पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट देखी गई। अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रात 9 बजे से शुरू होने के बजाय रात 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी इलेक्शन 2022। चुनावी रैलियों पर रोक के बावजूद भाजपा उम्मीदवार ने निकाली घोड़े पर बारात। वीडियो में डीजे के साथ डांस और पैसे उड़ाते दिखे। नोटिस जारी। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में गंगा नदी में स्नान किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सुझाव दिया है कि भारत को एक तेज तर्रार ऑलराउंडर की तलाश से आगे बढ़ना होगा और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के बजाय घरेलू क्रिकेट में तैयार करना होगा। सोशल मीडिया प्रभावित हिंदुस्तानी भाव, जिनका मूल नाम विकास पाठक है, को धारावी पुलिस ने मंगलवार को धारावी में छात्रों के 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।